हेलो एवरीवन नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म जो लेफ्ट साइड में आपके पास सेट गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है रोस्टर फॉर्म में विद द सेम द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म आपको मैच करना है कि कौन सा सेट किसके साथ मैच हो रहा है कौन सा सेम सेट है तो हम यहाँ पर किसी भी वे में स्टार्ट कर सकते हैं यू कैन स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड उसके अकॉर्डिंग आप राइट हैंड साइड मैच कर सकते हैं आप राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट करेंगे वो ईजी रहेगा क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर्टीज को जज करना है तो एलिमेंट्स निकालना बहुत ईजी हो जाएगा तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड में देखिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स आपके प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं टू से वन से क्यों नहीं स्टार्ट होते हैं क्योंकि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट तो टू के बाद कौन सा प्राइम नंबर है थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं सिर्फ एक पहला ही आपका इवन प्राइम नंबर होता है ओके okay? दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमें कि जो नंबर एक्स एलिमेंट्स हम इसमें लिखेंगे वो डिवाइजर ऑफ सिक्स होने चाहिए क्या होना चाहिए जो सिक्स को डिवाइड करे अब इसमें से कौन से सेट्स हैं जो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं देखते हैं पहला देखिए है। यहाँ पर अगर हम इसके एलिमेंट्स को वॉच करते हैं तो यहाँ पर तो वन आ गया अभी मैंने आपको बताया वन तो प्राइम नंबर ही नहीं है दैट मीन्स ये वाला तो इससे मैच नहीं होगा दूसरा देखते हैं टू थ्री अब टू और थ्री प्राइम नंबर्स भी हैं और उसका डिवाइजर भी है देखिए टू जो है सिक्स को डिवाइड कर रहा है थ्री जो है सिक्स को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है फिर भी हम लास्ट वाला पार्ट चेक कर लेते हैं क्योंकि इसी में आपके नंबर्स हैं इसमें पहला ही डिससेटिस्फाई हो गया देखिए वन आ गया तो वन तो हमारा प्राइम नंबर ही नहीं है तो दैट मीन्स आपका जो ए पार्ट है वो किससे मैच होगा सेकेंड पार्ट से ओके okay. ये आपका सेकेंड पार्ट से मैच हो गया अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सेट की प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है यहां पर वो वाले सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर सबसे पहले देखिए व्हाट आर ऑड नेचुरल नंबर्स ये ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ऑड मतलब जो टू के टेबल में नहीं आते जो टू से डिविजिबल नहीं है और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन टू तो थ्री दूसरी चीज़ हमें दो चीज़ें तो पहले चेक करनी है ऑट होना चाहिए नेचुरल नंबर्स होना चाहिए तीसरी चीज़ क्या देखनी है वो नंबर्स लेस देन टेन भी होने चाहिए तो वो वाला सेट वो वाले एलिमेंट्स चेक करने हैं जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं अब देखिए पहला देखिए ये टेन से कम तो है ही नेचुरल नंबर्स भी हैं दोनों चीजें तो हैं बट ऑड नहीं है क्यों क्योंकि अगर आप इसमें टू को वॉच करें तो टू आपका इवन नंबर हो गया सिक्स आपका इवन नंबर हो गया तो इससे मैच ये नहीं हो रहा ना द लास्ट पार्ट देखिए ये सब टेन से छोटे हैं पहली चीज से हमारे यहाँ पर क्लियर हो रही है नेचुरल नंबर्स भी हैं ये और ऑड भी हैं वन थ्री कोई भी टू के टेबल में नहीं आता तो ये जो तीनों चीजें कहाँ सेटिस्फाई हो रही है फोर्थ पार्ट में तो सेकेंड पार्ट का जो रॉस्टर फॉर्म बनेगी आपकी वो फोर्थ पार्ट बनेगी, ओके? द नेक्स्ट X इज अ सेट ऑफ ऑल x सच that x इज अ नेचुरल नंबर सबसे पहले आपको क्या चीज वॉच करनी है जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके नेचुरल नंबर्स होने चाहिए दूसरी चीज डिवाइजर ऑफ सिक्स जो सिक्स को डिवाइड करते हैं ना अगेन सी द फर्स्ट पार्ट यहां पर ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और सिक्स को भी डिवाइड कर रहे हैं देखो वन अगर मैं करूं सिक्स अपॉन वन तो डिविजिबल है टू से करेंगे टू भी इसका डिवाइजर है थ्री भी और सिक्स भी तो ये दोनों प्रॉपर्टीज ये जो एलिमेंट्स है सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सी का आंसर आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट ओके इसी तरीके से आप देखिए लास्ट पार्ट में तो हमें पता ही चल गया है जब एक ही पार्ट बचा और यहाँ पर भी एक ही पार्ट है तो आंसर तो मैच कर ही रहा है फिर भी कुछ चीज़ों का मैं आपको फिर भी बता रही हूँ दोबारा से यहाँ पर हमें वो वाले लेटर्स लिखने हैं मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको मैंशन करना है अब आपको इस चीज़ में क्या ध्यान रखना होता है कि एक लेटर एक बार ही लिखना होता है दो बार नहीं लिखना होता जैसे आपका यहाँ पर एम दो बार रिपीटेशन में आ रहा है तो एम एक बार लिखेंगे ए भी दो बार आ रहा है हमने एक बार यहां किया, टी दो बार आ रहा है टी यहां पर हमने एक बार मेंशन किया अगर इस वाले सेट में दो बार टी भी लिखा होता तब भी यही इसी का होता है ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते हैं बट वो काउंट एक ही होता है इज आट क्लियर तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी बेटा ये वाली होगी तो इस तरीके से आप सेट बिल्डअप के हेल्प से उसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से रोस्टर फॉर्म तक पहुंच सकते हैं आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी थैंक यू